हम यौम आजादी के अवसर पर एक वैचारिकी को सुने। कविता के साथ वैचारिक का तादात्म्य वैसा ही है जैसे समुद्र मंथन में समंदर के पानी के साथ अमृत का साक्षात्कार होता है। तो आइए, मैं देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से पधारी हुई इस मंच की सबसे छोटी रचनाकार वागीशा शर्मा को आमंत्रित कर रहा हूं। वो आज के इस अवसर पर अपने विचार आप तक पहुंचाएगी। वागीशा, स्वागत है। मैं भारत माता की आराधिका वागीशा शर्मा आप सभी का वंदे मातरम कहकर हार्दिक अभिवादन करती हूँ। वंदे मातरम। वाह वाह वाह। है वतन के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम, देश के खादिम की है जागीर वंदे मातरम। वाह वाह। है वतन के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम, देश के खादिम की है जागीर वंदे मातरम। जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी फिर मेरी तस्वीर वंदे मातरम। वाह 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 वाह। आज वंदे मातरम बोलना कितना सरल है, परंतु 1947 से पहले गुलामी के दौर में वंदे मातरम सुनकर अंग्रेज ऐसे भड़क जाते थे जैसे कोई रिश्वतखोर आदमी सदाचारी इंसान को देखकर भड़क जाता है। वाह वाह। स्वतंत्रता, संप्रभुता और गणतंत्र हमें यूं ही नहीं मिले हैं, इनकी बुनियाद देशभक्तों के खून से सनी है। अफसोस तो इस बात का है कि आज हम वतन परस्तों की शहादत से आई आजादी की कीमत को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी का अर्थ मात्र एक छुट्टी बनकर रह गया है। वाह, वाह। आज देश की आम जनता के मन में यह प्रश्न कैक्टस की तरह चुभ रहा है कि स्वतंत्र भारत में भी हम अनेक कमियों और बुराइयों के गुलाम क्यों हैं? अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुस्वाइयां, आपके ही पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। दोस्तों, देवियों, सज्जनों, केवल झंडा फहराने से असली गणतंत्र नहीं आएगा, केवल जन गण मन गाने से वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, तभी असली स्वतंत्रता मिलेगी। हमें सरपरस्ती की बजाय वतन परस्ती का महामस्तकाभिषेक करना होगा। तुम्हारी सरपरस्ती में जले हैं कितने घर, सोचो। तुम्हारी सरपरस्ती में जले हैं कितने घर, सोचो। कटे हैं कितने सर, इसका तुम्हें एहसास क्या होगा। बहालो खून सड़कों पर, मगर इतना तो बतला दो, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। क्या बात है। वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। आज हमें यह चाहिए कि हम यह माने कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी माता है, यह हमारी मातृभूमि है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका मुकुट है, पंजाब और बंगाल इसकी दो भुजाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं जिनका प्रक्षालन सागर की लहरें करती हैं। चांद और सूरज मेरे देश की आरती उतारते हैं, सितारों की टिमटिमाहट भारत माता का अभिषेक करती है। पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं, यह वंदन अभिनंदन अर्पण तर्पण समर्पण की भूमि है। भगत सिंह का उत्सर्ग यहाँ, आजाद का सत्कर्म यहाँ, भगत सिंह का उत्सर्ग यहाँ, आजाद का सत्कर्म यहाँ, राजगुरु की अदम्य फांसी, लक्ष्मीबाई की वो झांसी, राजगुरु की अदम्य फांसी, लक्ष्मीबाई की वो झांसी, सुखदेव का पावन गाना, सुखदेव का पावन गाना, बिस्मिल का यहाँ गूंजे तराना, बहादुर शाह के शेरों ने गजलों को खून से सवारा है, सुंदर भारत प्यारा भारत सारे जग से न्यारा है, दुनिया को जिसने ज्ञान दिया वह धरती का ध्रुव तारा है। यहाँ तलवार शिवा की चमकी थी, राणा की प्रतिज्ञा दमकी थी, यहाँ तलवार शिवा की चमकी थी, राणा की प्रतिज्ञा दमकी थी, यहाँ तलवार शिवा की चमकी थी,
यहाँ तलवार शिवा की चमकी थी, राणा की प्रतिज्ञा दम की थी, लाजपत से क्या अशेष, लाजपत से क्या अशेष, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। वाह वाह वाह। अब की बार हमें अपने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब की बार हमें अपने देश को सोने का शेर बनाना है, ताकि दुनिया की कोई भी ताकत हमें विश्व का सिरमौर बनने से नहीं रोक सके। सारे भगवान बाद में, सारे भगवान बाद में, पहले झुकाओ मस्तक शहीदों की याद में, एक ही मंत्र, जय जनतंत्र, जय स्वतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।